राम राम मेरे साथियों। तो मेरे साथियों, आज सुबह का खाना अपना तैयार है भाई। बाहर बैठे हुए हैं खुले में अपने बगीचे के पास, और खाट के ऊपर बैठे हुए प्लाथी मार के बढ़िया फटा लगा रखा है। अपनी टेबल तैयार है, थाली तैयार है, और मौसम और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खाने का अलग ही मजा, बाहर बैठे खाने का। तो भाई साथियों, करते हैं फिर आज की वीडियो शुरू। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आइए आपको दिखाते हैं खाने में क्या कुछ है हमारे पास। तो लो भाई साथियों, बड़ी परफेक्ट थाली नजर आ रही है। और खाने में क्या है भाई अपने पास? सबसे पहले भाई पराठे। आहा, वाह जी वाह, दिल खुश कर दिया इन्हें तो। और अभी अपने पास मक्खन नहीं है, आज है भाई मलाई। तो थोड़ी सी भाई पराठे के ऊपर रख लेते हैं मलाई, ये लो जी। और भाई पराठे के साथ मलाई, और मलाई के ऊपर मिल जाए अपने को आम का अचार। वाह जी वाह, चार चांद लगा देता है खाने में। और अभी अपने पास खीरा पले प्याज हरी मिर्च सलाद के तौर पे, पेठे सब्जी है भाई अपने पास, आलू बताऊ की ऊपर मक्खन लगा रखा है। बताऊ जो है वो अपने कैरी में लगते हैं, बड़े ही कच्चे कच्चे हरे कलर के बताऊ हैं। कभी आपने देखे हरे कलर के तो हमें जरूर बताना भाई। और इधर है भाई दही, ऊपर जीरा बरका रखा है, मसालेदार दही तैयार है। और साथ में भाई अपने पास एक केला, थाली को हेल्दी पौष्टिक बनाने के लिए। और भाई अपने पास मीठे में लच्छे वाला घीवर, ये लच्छे चेक करो जी इसके। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ठीक है भाई साथियों, करते हैं फिर आज की थाली स्टार्ट। भाई आप आते हैं सबसे पहले मीठे के शौकीन, तो सबसे पहले हो जाए भाई मीठा। ये देखो जी, बोल बजरंग बली की जय। लियो जी बाबू जी, क्या बात है। गजब का टेस्ट है। बड़े दिनों बाद मिला भाई लच्छे वाला घीवर, काफी दिनों से मिल नहीं रहा था। वाह जी वाह। तो भाई मीठे के बाद अब हो जाए भाई पराठे के साथ थोड़ा सा अचार लगाएंगे, थोड़ी सी मलाई लगाएंगे, और इधर लेंगे भाई आलू का पीस। ये लियो जी बाबू जी। भाई साहब, पराठे का और अचार का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बीट करना मुश्किल है। और मजा जब आ जाता है जब साथ में हो भाई आलू की सब्जी। ऐसी कच्ची कच्ची आलू सब्जी बनी हुई है, जो बैंगन है भाई अपने चारी में लगे हुए हैं पीछे। और भाई अपने पास दही, मसाले वाली दही। वाह जी वाह साथियों, बाहर बैठे खाने का तो अपना ही नजारा है। और जब ऐसा पौष्टिक खाना मिल जाए सवेरे सवेरे, दिन बन जाता भाई। पीछे आप मोर के बात सुन रहे हो अभी। मोर जो है भाई हमारी छत पे आते रहते हैं, हम ऊपर दाना डालते हैं मोरों को, और ऊपर छत पे मोर आते हैं। ये घूम रहा है एक मोर ऊपर, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पीछे साइड में आपके फूल खिले हुए हैं, बगीचे में ही आपके सब्जी उग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मोर बोल रहे हैं, पक्षी अच्छे जा रहे हैं। बाहर खुले में बैठे भाई खाट के ऊपर प्लाती मारे फटने के ऊपर, 5,000 का मजा ही आ गया। भाई साहब, जो मक्खन और सिर्फ अचार, अगर ऐसे ऐसे भी खाने को मिल जाए ना, इसकी भी क्या बात है, मजा ही आता है चीज का। लाजवाब भाई लाजवाब, पूरे हो गए जमाकते, क्या बात है। और फिर साथ में भैया ठंडी ठंडी दही। ये कुछ कॉम्बिनेशन है मक्खन का और आम के अचार का, और साथ में है भाई अपने पास आलू। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इनको बीट करना मुश्किल है। सुना मोर कैसे बोल रहा है, चारों तरफ मोर है भाई साहब, इतने मोर हैं, दिन रात चहचहाते रहते हैं, गजब का मन लगा रहता है। और बाहर बैठे खाना खाते हैं तो मजा ही आता है। अब भाई थोड़ी सी आलू की सब्जी के ऊपर दही रख के लगाते हैं। क्या बात है।
जी वाह भाई, स्वाद आ गया, नज़ारे आ गए, बड़ा एक गजब का खाना था, लाजवाब टेस्टी। और भाई बाहर बैठे जो खा रहे हैं ना, इसने पूरे कर दिए। इतनी ठंडी हवा चल रही है, गजब के मोर बोल रहे हैं। नेचर में खाने का मजा ही अलग है। दरअसल इंसान खुद नेचर का हिस्सा है, पर अंदर कमरों में दुबका पड़ा है। अब हम बाहर निकले खाते हैं तो उसका तो अपना ही मजा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह साथियों, दोस्तों, स्वाद आ गया खाने का, बहुत ही लाजवाब गजब का खाना था, बिल्कुल पूरे हो गए भाई, दिन बना दिया। ये जो मोर बोले हैं ना, और इतना ही स्वाद खाना बना हुआ था, कच्चे कच्चे आलू बैंगन की सब्जी, साथ में दही घेवर, पराठा, मक्खन, अचार, और अभी अपने पास अभी लस्सी। खाना कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में लस्सी मिल जाए, एक मग्गा भर के लस्सी है भाई, लस्सी पिए पास पेट डबक डबक बोले जाएगा सारा दिन। वाह जी वाह, हाँ हाँ हाँ। तो भाई साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, कोई और रेसिपी लेके आएंगे, कुछ और दिखाएंगे आपको, थाली बड़ी ऐसी ऐसी बाहर बैठे खाएंगे, खेतों में खाएंगे, गांव में खाएंगे, चूल्हे के पास खाएंगे, कहीं पे भी खाएं, बाहर खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा दिखाएंगे। वाह जी वाह, बोल बजरंगबली की जय।